यहाँ पर लेह में आए हैं और लेह में हम ठहरे हैं चंदन गेस्ट हाउस, और ये आप वीडियो में देखेंगे ये बहुत बेहतरीन जगह है और पूरा क्लीन, और आप जब भी वीडियो देखेंगे ना आपके एक ध्यान में आ जाएगा कि ये जो ओनर है जो झाड़ वो आप फूल सब देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि वो निसर्ग प्रेमी है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम उनसे बात करते हैं। मैडम पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है। अच्छा अच्छा नमस्ते जी। मैडम ये आपका गेस्ट हाउस कितना सालों से है? ये तो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितना पुराना है आपका, ये कितने साल कभी बनाया है? ये 1996 से गेस्ट हाउस चला रहे। अच्छा अच्छा, इतना ज्यादा कमरा नहीं था, ये यानी स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ाते गए इसको। बहुत अच्छा बेहतरीन। और मैडम आप मुझे ये जानकर दीजिए यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या यहाँ का टेरिफ है, इसके प्राइजेस कैसे होते हैं रूम के? ये तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन में तो 1800 है ये नया वाले का। अच्छा, पुराना वाला दो टाइप का है ना मेरे पास, उसका रहता है कि 1500। हाँ जी, तो कभी कभार डायरेक्ट करते थोड़ा कम भी हो जाता है जी। अच्छा, आपसे वो फोन करेंगे? हाँ जी, तो कॉन्टेक्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, होता है जी। अच्छा, और दूसरा कि यहाँ पर अभी कितने कमरे आपके गेस्ट हाउस में? मेरे गेस्ट हाउस में है नए बिल्डिंग में 6 अटैच बाथरूम, पुराने में 6 अटैच बाथरूम है जी, तो शेयरिंग बाथरूम वाला भी है 4-5। हाँ जी, शेयरिंग बाथरूम में ज्यादातर फॉरेनर ही पसंद करते हैं। अच्छा, और ये कितने लोग एक एक कमरे में रह सकते हैं? एक एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा 3 ही लोग, 3 लोग उससे ज्यादा 2 या 3 ऐसे, 2 या 3 एक्स्ट्रा मैट्रेस लगा के डबल बैठे ना एक्चुअली एक रूम में, तो 3 लोग तो रह सकते हैं एक्स्ट्रा मैट्रेस देके। हाँ जी, उससे ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर कोई ठहरते तो उनके नाश्ता या खाने का कैसा प्रबंध होता है, क्या व्यवस्था होती है? हम घर का खाना खाना चाहते हैं तो मैं खिलाती हूँ। अच्छा, नहीं तो रेस्टोरेंट पास में है ना। अच्छा, आपके पास भी वो फैसिलिटी है यानी ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है खाना? अच्छा, और दूसरा वाईफाई है यहाँ पर? हाँ जी, वाईफाई है, हॉट वाटर है। और ये लॉन्ड्री का कुछ है आपके व्यवस्था? वॉशिंग का थोड़ा, हाँ जी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जो इमरजेंसी में। अच्छा, हाँ जी। आपको रूम टूर करा देता हूँ। तो अब हम लोग रूम टूर करते हैं। ये कपड़ा रखने के लिए और शू रैक, ये एक मिरर है, टेबल, टीवी, ये बढ़िया सा एक बेड है डबल बेड, और चेयर, 2 चेयर्स, एक टीपॉय दिया है, यहाँ पर आप बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। अब मैं आपको गैलरी दिखाता हूँ यहाँ की। गैलरी देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ से। अभी मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, वेरी क्लीन एंड नीट। हॉट एंड कोल्ड वाटर गीजर, शॉवर है,
ये बकेट और ये यूरोपियन कमोड और ये वॉश बेसिन और ये मिरर। ये पीछे का बैकग्राउंड है। Romy, I'm from Israel. It's my first time in Leh, just got here a few weeks ago. And I heard about Chandan Guest House from some friends who stayed here before me. And after staying in a few places in Leh where I wasn't really happy, I came here. And from the first time getting in the room, it felt really homey, really clean. The outside garden is beautiful, it's a flower, it's a really good feeling. All the people in the guest house have been really helpful and very, very nice to be in their presence, and I've been really loving it here, so you should come. How long do you stay here? I've been staying here, I think, for like a week on and off, been going to treks and coming back here, and each time coming back, each room we've been to has been great, and every time there's something coming up or a concern, it has been very helpful here, and they've been attending all our needs. So yes, very enjoying our time here. Very nice. Thank you. Thank you.